जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के साथ दशकों तक वफादारी निभाने वाले गुलाम नबी आजाद ने एक बातचीत में बताया कि उनके पास कुछ ऐसे राज हैं जिससे कांग्रेस एक्सपोज हो सकती है। इसके बाद सियासत के गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। लोकतांत्रिक देश भारत में दशकों तक राज करने वाली सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को लंबे समय के बाद विपक्ष का साथ मिला है। राहुल गांधी ने इसके लिए बड़ी भूमिका निभाई है। वहीं राहुल गांधी, जिनको इमैच्योर कहकर पार्टी के दिग्गज नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को 5 पन्ने का खत लेकर कांग्रेस से नाता तोड़ लिया था, अब बीजेपी की कथित तौर पर बी टीम कहे जाने वाले आजाद ने एक बार फिर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज किया है कि कांग्रेस का G23 गुट भारतीय जनता पार्टी का करीबी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इसे बचकाना करार दिया। आजाद ये भी बोले कि वो कांग्रेस को एक्सपोज करके पूरी तरह खत्म नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लीडरशिप के साथ उनके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा और पूर्व की पार्टी लीडरशिप के साथ उनके मन में कोई मलाल नहीं है। हैरानी इस बात की है कि इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की। प्रधानमंत्री को आजाद ने असली राजनेता भी बताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी बहुत उदार नेता है। विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने प्रधानमंत्री को किसी भी मुद्दे पर नहीं बख्शा, चाहे वो धारा 370 हो या CAA या हिजाब। उनके कारण कुछ बिल पूरी तरह फेल हो गए, लेकिन पीएम को श्रेय देना चाहिए कि उन्होंने एक स्टेट्समैन की तरह व्यवहार किया, उसका बदला नहीं लिया। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कई मसलों पर बेबाकी से राय रखी। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस को बेनकाब और पूरी तरह से ध्वस्त नहीं करना चाहते। नेतृत्व के साथ उनके कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस की विचारधारा से उनके कोई मतभेद नहीं है। वो बोले, कांग्रेस की विचारधारा या पहले के कांग्रेस नेतृत्व से मेरे कोई मतभेद नहीं है। बेशक मैंने अपनी किताब में नेहरू, इंदिरा और राजीव के समय में क्या गलत हुआ इसका जिक्र किया है, लेकिन मैंने ये भी कहा है कि वो बड़े नेता थे। पूर्व कांग्रेसी नेता ने कहा कि पार्टी में काफी बदलाव आ चुका है। नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी झटकों को सहन कर सकते थे, उनमें सहन शक्ति थी, उन्हें जनता का समर्थन और सम्मान था, समय के साथ अपने काम से वे पलट सकते थे, लेकिन वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व का लोगों पर कोई प्रभाव नहीं है। आजाद ने इस आरोप को सिरे से खारिज किया कि G23 गुट बीजेपी का करीबी है। उन्होंने कहा, यह बेहद मूर्खतापूर्ण बात है। अगर G23 बीजेपी का प्रवक्ता था तो उन्हें कांग्रेस ने सांसद क्यों बनाया, उन्हें सांसद, महासचिव और पदाधिकारी क्यों बनाया गया। वो बोले, मैं अकेला हूँ जिसने पार्टी बनाई है, बाकी लोग अभी वही है। ये दुर्भावनापूर्ण, अपरिपक्व और बचकाना आरोप है। बता दें, कांग्रेस का G23 वही गुट है जिसने कुछ साल पहले तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को खत लिखकर पार्टी में बदलाव की पैरवी की थी। इस गुट में गुलाम नबी आजाद, मनीष तिवारी, पी चिदम्बरम, शशि थरूर और कपिल सिब्बल सरीखे दिग्गज कांग्रेसी नेता शामिल थे। हालांकि बाद में इसमें से कई नेता कांग्रेस से अलग हो गए, जिसमें से एक गुलाम नबी आजाद भी थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।